ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। माननीय अध्यक्ष जी, ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है, आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। और इसलिए प्लीज अधीरंजन जी, अब ज्यादा हो रहा है, अधीरंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया जहां रजिस्टर होना हो गया। और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना है? हाँ दादा देखो, मैं बता दिया, चिंता मत करो, मैंने बता दिया। अधीरंजन जी प्लीज, अधीरंजन जी, अच्छा नहीं लगता है, मैं इतना आदर करता हूँ, आप आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते? अरे भाई, हद से ज्यादा क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज अधीरंजन जी प्लीज, माननीय सदस्य दादा प्लीज। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधनकर्ता नहीं है, ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है। और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हां, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है। और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं। और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके, और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है, और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। इस बाद में समय मिलेगा आपको। नो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं। माननीय अध्यक्ष जी आप समझ, पुरानी मंडियों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इतना ही नहीं, इस बजट में इन मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और बजट की व्यवस्था की गई है। और उस बजट के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, ये जो हमारे निर्णय है प्लीज, वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना के साथ लिए गए। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा क्या करते हैं आप? सीनियर व्यक्ति है, प्लीज प्लीज बैठे। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के साथ ही भली भांति इस बात को समझते हैं, लेकिन कांग्रेस और कुछ दलों ने बड़े जोर शोर से बातें अपनी कही, लेकिन
जिन बातों को लेकर के उनको कहना चाहिए कि भाई ये नहीं, ये अपेक्षा ये होती है कि उन्होंने इतना स्टडी करके आना है। इतना ही नहीं, जो जो लोग ये कहते हैं, मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों, हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों। पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है, और देश बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एकाध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय, किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। बेटियों को संपत्ति में अधिकार, किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है, तब जाकर के कानून बनाया जाता है। शिक्षा को अधिकार देने की बात, किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है, तो कानून बनते हैं। क्या कभी भी इतने सुधार हुए बदलते हुए समाज ने इसको स्वीकार किया कि नहीं किया, ये दुनिया पूरी तरह जानती है। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं, आपने पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है बोलने का, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। माननीय अध्यक्ष जी, हमें मानते थे कि हिंदुस्तान की बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने करीब करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का तबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का तबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में भी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में बैठे हैं, लेकिन वो एक बहुत आनंद और उमंग के साथ वाद विवाद करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं, और यही कांग्रेस पार्टी का दूसरा तबका अब समय तय करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ईपीएफ पेंशन योजना, हमें मालूम है, कभी ऐसे केसेस मेरे सामने आया जब 2014 के बाद में आया बेटा, किसी को पेंशन 7 रुपये मिल रही थी, किसी को 25 रुपये, किसी को 50 रुपये, किसी को 250 रुपये, ये देश में चलता था। मैंने कहा भाई, इन लोगों को ऑटो रिक्शा में वो पेंशन लेने जाने का भी खर्चा उससे ज्यादा होता होगा। किसी ने मांग नहीं थी, किसी मजदूर संगठन ने मुझे आवेदन पत्र नहीं दिया था,
माननीय अध्यक्ष जी, उसमें से बाहर ला करके मिनिमम 1000 रुपीज देने का निर्णय हमने किया था, किसी ने मांगा नहीं।